To crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। एक बार सारे लोग जरा बता देंगे ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। एक बार सारे लोग जरा बता देंगे ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा न्यू यूनिट स्टार्ट होगा, दैट इज द कंट्रोलर ट्यूनिंग, जिसका हम लोग पार्ट नंबर वन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंट्रोलर ट्यूनिंग जिसकी हम लोग पार्ट नंबर वन की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सारे लोग आगे। यस, हेल्प सर, किस में हेल्प करनी है? अच्छा, हेलो सर, ओके, ठीक है, फाइन। तो होप सो सारे लोग आगे होंगे। आज हम लोग यूनिट नंबर वन की बात करेंगे, जिसमें यूनिट नंबर एट में पार्ट नंबर वन की बात करेंगे कंट्रोलर ट्यूनिंग में। ठीक है, तो कंट्रोलर ट्यूनिंग आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, 90s की सीरीज में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी हम लोग उतने ही अच्छे से पढ़ेंगे जितना कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस पढ़ा था। यस, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंट्रोलर ट्यूनिंग है, उसका ही पार्ट एक आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस के बेसिस पे बहुत सारी ट्यूनिंग ऐसी हैं जो डिसाइडेड करेगी। ठीक है, चलो तो यहाँ से सारे लोग आगे। यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ, जो अपने स्टूडेंट जो पहली बार अपने प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा, जो प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं। तो आई एम मनीष राजपूत, ठीक है, एंड फैकल्टी ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग इन अवर अनअकैडमी। एंड अचीवमेंट और एक्सपीरियंस की मैं जस्ट बात करूँगा, तो 5 times गेट क्वालिफाइड एमटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, एंड आई हैव एक्सपीरियंस इन द एचपीसीएल बैंगलोर इन 2019 एंड सिलेक्टेड इन द एचयूआरएल इन 2021, राइट, एंड 5+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन जेईई एज वेल एज गेट। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ से जस्ट बात करूँगा, आप लोग देख पा रहे होंगे माई सब्जेक्ट मास ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स हीट ट्रांसफर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, और दिस इज द माई कोड, यू कैन यूज दिस कोड ड्यूरेशन ऑफ द ज्वाइनिंग द प्लस कोर्स और आइकोनिक कोर्स, कहीं पे भी आपको नीट पड़ती है तो इस कोड के साथ आप लोग मूव कर सकते हैं। यहां से आपके एक बेनिफिट होगा, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ जो दूसरा बेनिफिट होगा, हमारा सपोर्ट और मेंटरशिप आप लोगों को थ्रू आउट द जर्नी मिलेगा। ठीक है, जिसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेंटरशिप वाला पार्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई भैया इतनी ना। अब मैं जैसे आगे बात करूं कि अपना अभी करंट में एक और बेहतरीन ऑफर है आप लोगों के लिए। तो जिन लोगों को भी अभी स्टार्ट करना है, ठीक है, दे आर थिंकिंग टू ज्वाइन द प्लस कोर्स, तो अभी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे फायदा ये होगा कि 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इफ़ यू आर यूजिंग माई कोड MR100।
ठीक है, यहाँ पे मैंने शो कर रखा है। दूसरा 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा 17 सितंबर, मतलब 17th of September तक आप लोगों के लिए एक और ऑफर है, ठीक है। मिडनाइट, ये कब है? मिडनाइट तक है, मतलब आप लोग 12 बजे से पहले ही कर लेंगे ज्वाइन, तभी आपको ये 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो ये सितंबर तक है। यहाँ पे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे, एक आप लोग मास ट्रांसफर आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा डिस्टिलेशन, एक आप लोग वो कंटेनर भी बता दूंगा। तो प्लस के लिए आप लोग इनके ज्वाइन करते हैं, तो प्लस में आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे हम लोग आपको क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, आपको वीकली टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, वो असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं 3 सेशन के बाद, और कभी कभी उन सेशंस में ही डाउट क्लियर हो जाते हैं, तो हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं उसको इंग्लिश और हिंदी में। आपको अभी हमारी टीम से आपको हिंदी में मिल रहा है, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं आइकॉनिक की जस्ट बात करूँ, तो आइकॉनिक में अभी एक करंट में एक और ऑफर आया हुआ है, वो भी मैं बता दूंगा कि आइकॉनिक के लिए एक अलग से आपको मेंटरशिप और आपको इंट्रैक्शन डाउट क्लियरिंग सेशंस का एक अलग आपको प्रोग्राम मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। तो आइकॉनिक के लिए पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल टेस्ट आपको मिलेंगे, यस। तो आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोग सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों को कोड याद रखना होगा, आप लोग कोड याद रख सकते हैं MR100, ठीक है। आप लोगों को एक कोड की नीड पड़ेगी तो ऑलवेज आप फैकल्टी कोड के साथ मूव कर सकते हैं, तो MR100 आप लोग कोड यूज करेंगे तो यहां से हमारा आपको मेंटरशिप मिलेगा और गाइडेंस मिलेगा, और प्रॉपर तरीके से आप लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे, राइट। चलो इसके बाद जस्ट मैं बोलूंगा कि अभी ये 18th of August को जिसमें आपका कैंपल टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ था, जिसमें अंकुर सर ने स्टार्ट किया था, एंड इसके बाद 26th of August से हमारा मास ट्रांसफर स्टार्ट हुआ था, जिसकी टाइमिंग शुरुआत में 8:30 थी, अभी कल से टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गई है क्योंकि आपके CRE भी स्टार्ट हो गया है, तो यहां से कल टाइमिंग चेंज करके आप लोगों को 7:30 कर दिया गया, बिल्कुल कन्वीनियंट है सारे लोगों के लिए, प्रॉपर तरीके से सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग कल से मूव करना चाहते हैं डिस्टिलेशन, तो आप 7:30 पर मिलिएगा। इसकी टाइमिंग मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ, ये आपकी जो न्यू टाइमिंग होगी वो आपकी 7:30 है, ठीक है, 7:30। आप लोग कोड यूज करना MR100, आप लोग ज्वाइन करने के लिए आपको कोड की नीड पड़ेगी MR100, राइट। चलो तो मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ तो मैं आपसे बोलूंगा कि इनकेस कुछ लोगों को लगता है कि 6 महीने के साथ मुझे मूव करना है, सर अभी 12 महीने के लिए मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं तो मैं 6 महीने से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। जो लोग थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के हैं वो 6 महीने नहीं, वो भैया 12 महीने के साथ जाएं, ठीक है, क्योंकि 2 महीने के लिए अलग से तो कोर्स नहीं लेते घूमोगे, ठीक है। पता चला इंटरव्यू लगा है IOCL का, अलग से कोर्स ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 6 महीने का वो लोग ले सकते हैं जो लोग अभी गेट 2022 को टारगेट कर रहे हैं, तो वो लोग 6 महीने के साथ प्रॉपर तरीके से मूव कर जाएंगे, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 6 महीने के साथ मूव कर जाएंगे। दे कैन यूज माई कोड MR100, ठीक है। तो 6 महीने के साथ मूव कर जाओ, इसमें आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 9 महीने का। ये भी आपका ऑफर अभी लिमिटेड टाइम ऑफ द पीरियड के लिए है, तो आप लोग जल्दी से इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो, कोई आपको डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो जस्ट आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रोसीजर पूछ रहा है, कोई आपको स्ट्रेटजी प्लान करना है, तो आप जस्ट कॉन्टैक्ट करिए और प्रॉपर तरीके से आप लोग आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ से जस्ट मैं बोलूँगा कि भैया इसके बाद आज से आपका यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, कंट्रोलर ट्यूनिंग, ठीक है। तो सारे लोग मस्त तरीके से हेडिंग डाल दो, ये 1 घंटे का आपका सेशन रहेगा, 1 घंटे के बाद 2 बजे से आपका भी सेशन स्टार्ट हो जाएगा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज मैंने पूरी थ्योरी कवर कर दी थी मॉर्निंग में, जिन लोगों ने अटेंड किया होगा वो लोग देख रहे होंगे, जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया है वो क्लास होने के बाद में अटेंड कर लेंगे। पूरा मैंने लाप्लास आज आपका खत्म कर दिया था मॉर्निंग में, 1 घंटे 50 मिनट की क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने 10 से 11 बात की थी, पूरी लाप्लास की बात कर ली थी, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम 1 ही घंटे का था, थ्योरेटिकल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। 2 से 3 1 घंटे का और सेशन मिलेगा, यहाँ पे मैंने पिन करवा रखा है, यस आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिंक पिन हो गया। तो जो लोग भी अभी मूव करेंगे, जैसे अपनी क्लास छूटेगी तुरंत अपन लोग ज्वाइन कर लेंगे क्या प्लस पर, ठीक है, सॉरी अनअकैडमी स्पेशल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि जो सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट है वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो लिंक पिन करवा रखा है, तो आप लोग इसको इनरोल कर सकते हैं। चलो, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कंट्रोलर ट्यूनिंग, न्यू पेज से न्यू हेडिंग डालेंगे, यूनिट नंबर 8 कंट्रोलर ट्यूनिंग। चलो, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भैया, इंजीनियर्स डे, यस विश यू द सेम। चलो, कंट्रोलर्स ट्यूनिंग, अच्छा कंट्रोलर ट्यूनिंग पढ़ते क्यों है, सबसे पहले एक ही मोटी मोटी बात आ रही है, कोई भी चीज़ हम ऑफ टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसको पढ़ते क्यों है। अभी तक आप लोगों ने जो बात कर ली थी कि भैया आप कंट्रोलर ट्यूनिंग, इसका मतलब कंट्रोलर का कुछ ट्यून कर रहे होंगे, कंट्रोलर का क्या क्या होता है, कंट्रोलर का आपका कंट्रोलर गेन होगा, ठीक है, आपका टाइम कॉन्स्टेंट होगा कंट्रोलर का, ठीक है, आप इन्हीं चीज़ों को ट्यून करेंगे। तो ट्यून्ड पैरामीटर क्या होते हैं, सबसे पहले इतनी बात हमको पता होना चाहिए, ये एक्चुअली हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन टू स्टडी ऑफ दिस
ट्यूनिंग पैरामीटर। तो सबसे पहले मोटी बात आप लोगों को इतनी समझ में आ जानी चाहिए कि हम लोग पढ़ क्यों रहे, क्योंकि आपको पता है कंट्रोलर की ही बात कर रहे हैं, कंट्रोलर को ही ट्यून करेंगे। मतलब आप चाहते हो कि कंट्रोलर आपका फास्ट काम करे, आप चाहते हो रिस्पॉन्ड तेजी से करे, आप चाहते हो ऑप्टिमम वे में वो काम करे, तो आप लोग सिंपल कंट्रोलर जो पैरामीटर्स होते हैं, कंट्रोलर पैरामीटर कोई आपसे पूछ दे, कोई बोले कि भैया कंट्रोलर पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, तो कंट्रोलर पैरामीटर की मैं बात करूंगा। कंट्रोलर पैरामीटर क्या क्या होते हैं, केसी टाउ आई कंट्रोलर के लिए एंड टाउ डी, दिस द कंट्रोलर पैरामीटर। आप चाहते हैं इनको ट्यून करना, आप चाहते हैं इनकी एक ऐसी वैल्यू सेट कर दी जाए सो दैट आपका कंट्रोलर क्या करे, फास्ट काम करे, ठीक है, आपका कंट्रोलर क्या करे, फास्ट वर्क करे, ठीक है, आपका कंट्रोलर क्या करे, आपका जो कंट्रोलर है वो क्या करे, आपका तेजी से काम करे, ठीक है, विदाउट एरर, एरर क्या रहे, कम से कम मिनिमाइज एरर पे फास्ट रिस्पॉन्ड करे, आप ये तो चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोलर के जो पैरामीटर्स होते हैं जैसे केसी हो गया, टाउ आई हो गया, ठीक है, टाउ डी हो गया, ये कंट्रोलर के जो पैरामीटर होते हैं इनको आप ट्यून करोगे। अब इनको ट्यून करने के लिए डिफरेंट ट्यूनिंग मेथड्स हैं, ठीक है, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो आप यहाँ पे 3 से 4 मेथड पढ़ेंगे, एक आप पढ़ेंगे जिगलर निकोलस, दूसरा पढ़ेंगे कोन क्यून, तीसरा पढ़ेंगे टाइम इंटीग्रल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, उसकी हेल्प से भी आप कंट्रोलर को ट्यून करते हैं। तो 3 से 4 जो मेथड आपके गेट में पूछे जाते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। एमटेक में जाएंगे 2-4 मेथड और हैं, उनकी हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एमटेक का पार्ट है, अपने गेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई कि जो भी अब हम लोग करने वाले हैं उनमें हम लोग ट्यून करने वाले हैं किनको, कंट्रोलर के जो पैरामीटर्स होते हैं इनको हम लोग ट्यून करेंगे। अब इनको ट्यून करने के लिए अलग अलग हर किसी ने अपना अपना मेथड दे रखा है कि भैया आप मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके से ट्यून कर सकते हो, भाई साहब के अकॉर्डिंग इनके ऐसे ट्यून कर सकते हो, जैसे ये अपना साथ है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये अपनी बात कुछ कह के गया, ठीक है, और जो ये अभिनव है ये कुछ बात कह के गया, और ये स्वरूप है ये भी कुछ बात कह के गया, और अपना चैतन्य है ये भी कुछ बात कह के गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1x1 जिगलो निकोलस से स्टार्ट करेंगे, और डिफरेंट जिगलो निकोलस भाई साहब ने क्या बात कही है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं कल के सेशन में आपको बताऊंगा कौन क्यों ने क्या बात कही है, और टाइम इंटीग्रल, तीनों बातें मैं कल ही खत्म कर दूंगा, और इनके बेसिस पे कैसे न्यूमेरिकल्स आए, कैसे आप लोग क्वेश्चन हैंडल करते हैं उसकी मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आज के सेशन का ये रहने वाला है। तो सारे लोगों को बात आ गई समझ में कि कंट्रोलर ट्यूनिंग पैरामीटर क्यों पड़ते हैं, हम चाहते हैं कि कंट्रोलर अपना क्या करे, फास्ट काम करे, एरर लेस काम करे, मिनिमम एरर पे काम करे, ठीक है, ऑप्टिमाइज वे में आप लोग उसको रन करवाना चाहते हैं। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, कंट्रोलर जो पार्ट्स होते हैं, जो कंट्रोलर पैरामीटर्स होते हैं उनको ट्यून करते हैं, ठीक है। तो जो ट्यूनिंग पैरामीटर्स होते हैं वो केसी टाउ आई टाउ डी, ये 3 ट्यूनिंग पैरामीटर्स होते हैं, इन्हीं को आप लोग ट्यून करोगे। तो 1x1 मेथड हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, हर किसी का एक अपना अपना मेथड है टू फाइंड आउट द कंट्रोलर ट्यूनिंग मेथड्स, ठीक है। चलो तो यहां से मैं बात करूंगा, यहां से जस्ट बात करूंगा। मेथड नंबर 1 पहले हम लोग पढ़ेंगे, जिगलर निकोलस ट्यूनिंग मेथड। तो सबसे पहले हम लोग बनेंगे, अलग अलग मेथड है, 3 मेथड मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक जिगलर निकोलस, दूसरा मैं कल पढ़ाऊंगा कौन क्यून, और कल ही मैं बताऊंगा टाइम इंटीग्रल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, तीनों में क्राइटेरिया बता के आगे मूव कर जाएंगे। तो सारे लोग पहला मेथड डालेंगे हेडिंग जिगलर निकोलस ट्यूनिंग मेथड। तो जो जिगलर और निकोलस दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये दोनों लोग मिलके इस पे काम किए, और किस तरीके से काम किए, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं, उनकी बात करके हम लोग थोड़ा इसके मैथमेटिकल वाले पोर्शन पे आते हैं। तो सारे लोग पहले डालेंगे हेडिंग मेथड नंबर वन जिगलर निकोलस ट्यूनिंग मेथड। यस सर, मैं आपका एमटी का लेक्चर एक फ्रेंड को रेफर की थी, उसने मुझे कहा कि आपका लेक्चर देखे उसको नशा चढ़ गया है। भाई साहब, ठीक है, लेक्चर हो गए कि ये दारू की बोतल हो गई, ठीक है नशा चढ़ गया, तो ऐसा तो नहीं है ना। चलो राइट, झूम गए, चलो। जिगलर निकोलस ट्यूनिंग मेथड, ये हम लोग पहले मेथड की बात करेंगे। सारे लोग रेडी हैं, एक बार सारे लोग लिख देंगे रेडी, एक बार सारे लोग इतना तो कम से कम लिख ही सकते हैं, वी आर रेडी। स्टार्ट किया जाए सेशन को। नशा तो हमको कब से चढ़ गया, अभी उतर नहीं रहा। एक जाम एमटी के नाम। चलो स्टार्ट करते हैं, रेडी स्टार्ट करते हैं रेडी। तो सारे लोग मस्त तरीके से हेडिंग डाल देंगे, मेथड नंबर 1 जिगलर निकोलस ट्यूनिंग मेथड। दिस इज द मेथड नंबर 1। बहुत प्रॉपर तरीके से समझेंगे, इसके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मैं जस्ट आपको देखो
है ना। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे क्वेश्चंस की, यहाँ पे बात करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2015-5 का करेंगे, 2017 में अभी करंट ईयर में क्वेश्चन आया इसकी बात करेंगे, 2013 में क्वेश्चन आया, ये सब हम लोग बात करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो सारे पहले मेथड डाल लेंगे जिगलर निकोलस। देखो ये जो जिगलर निकोलस मेथड है ना, ये सारे पहले तो स्टेप्स लिख लेंगे। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे बेस्ड है, ठीक है। आपने जितना भी अभी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ के आए हो, जैसे एम्पलीट्यूड रेशियो के, एम्पलीट्यूड रेशियो आप कैसे निकालते थे, फेज शिफ्ट कैसे निकालते थे, वो ये सारे प्रोसीजर उसी को यूज करेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड रेशियो को निकालने का जो प्रोसीजर होता है उसी प्रोसीजर को यूज करेगा। तो इसका मतलब जो भी अपना जिगलर निकोलस होता है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस पर बेस्ड होता है। ये गेट की प्रॉब्लम है, एक बार गेट में ये बात पूछी गई है, ठीक है। एक बार ये चीज गेट में पूछी गई है, ठीक है। एक बार ये चीज गेट में पूछी गई है, राइट। ये गेट में पूछी गई है कि जो जिगलर निकोलस होता है किस मेथड पे बेस्ड होता है, तो कौन सा मेथड, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस, ठीक है। गेट में ये गेट का क्वेश्चन है, ये वाली लाइन गेट की क्वेश्चन में एक बार 1 मार्क में पूछी गई है। नंबर 2, इसको हम लोग ऑनलाइन ट्यूनिंग मेथड भी बोलते हैं। ऑनलाइन ट्यूनिंग मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई प्रोसेस आपका रन कर रहा है, बहुत ध्यान से समझिए, सपोज कर लो रन कर रहा है, और रन करते करते आपको क्या करना है, ट्यूनिंग पैरामीटर्स को कंट्रोल करना है, तो आप जिगलर निकोलस की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। आपका सपोज कर लो इंडस्ट्री रन कर रही है और आपको कंट्रोलर पैरामीटर्स कंट्रोल करने हैं, पैरामीटर्स मतलब केसी टाउआई टाउडी, आपको ये 3 कंट्रोल करने हैं, तो आप रनिंग टाइम पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से इसको हम लोग ऑनलाइन मेथड भी बोलते हैं, मतलब आपका कोई प्रोसेस आपका रन कर रहा होगा उस पर भी ये काम करेगा, ठीक है। अच्छा अब ये क्या करता है, इसकी ये सारे प्रोसीजर्स हैं, यहाँ से मैं बात करूंगा प्रोसीजर की। तो ये जो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम लोग सिस्टम को क्या लेकर आते हैं, स्टेडी स्टेट पर लेकर आते हैं, फिर हम लोग पी कंट्रोलर का यूज करते हैं, और फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं अल्टीमेट गेन एंड अल्टीमेट पीरियड। अल्टीमेट गेन और अल्टीमेट पीरियड का भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट द अल्टीमेट गेन, हाउ टू कैलकुलेट द अल्टीमेट पीरियड। तो चलो मैं इनकी बात करे ले रहा हूँ, यहाँ पे इनकी बात करे ले रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट द अल्टीमेट गेन एंड अल्टीमेट पीरियड, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, तो सारे लोग पहले इतना लिख लेंगे। अब मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, अल्टीमेट गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों ने कल पढ़ा था गेन मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते थे, गेन मार्जिन के अंदाज में ही अल्टीमेट गेन कैलकुलेट होता है, ठीक है। अल्टीमेट गेन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे के यू से, के यू का मतलब ये बी नहीं है, ये यू है, के यू, ठीक है, सफिक्स में है नीचे यू, तो के यू, इसको बोलते हैं अल्टीमेट गेन। यू का मतलब अल्टीमेट, के का मतलब गेन, तो अल्टीमेट गेन को हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे, 1/AR एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा CO, ठीक है। हम लोग जैसे गेन मार्जिन जिस तरीके से कैलकुलेट करते थे, सिमिलर वे में आप लोग क्या कैलकुलेट करोगे, अल्टीमेट गेन, ठीक है। सिमिलर वे में आप लोग अल्टीमेट गेन कैलकुलेट करोगे, वहां पे जो केसी वाला पार्ट आएगा उसको ही आप लोग क्या बोल दोगे, जो केसी वाला पार्ट आएगा उसको आप बन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे केसी इनकेस आ गया तो केसी वाला पार्ट आ गया उसको आप लोग बन कर देंगे, ठीक है। एक तो ये मेथड होता है अल्टीमेट गेन कैलकुलेट करने का, एक और मेथड होता है वो भी मैं बता दूंगा, एक और मेथड होता है वो मैं क्वेश्चन ही के टाइम पे आपको बताऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन ही के टाइम पे बताऊंगा, सो दैट जब तेजी से आपका क्लियर होगा, ठीक है। पहले ये जो मेन मेथड है उसको लिख लेंगे, जो अल्टीमेट गेन होता है वो क्या होता है, 1/AR एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा CO, जो गेन मार्जिन होता है वो ही सेम आपका अल्टीमेट गेन होता है, सेम अल्टीमेट गेन होता है, ठीक है। चलो यहां से जस्ट मैं बात करूंगा दूसरा, कंप्यूट द अल्टीमेट पीरियड। अब अल्टीमेट पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्टीमेट पीरियड की मैं इधर बात कर लेता हूं, अल्टीमेट पीरियड की मैं इस साइड यहां पे बात करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। अल्टीमेट पीरियड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पी यू से, पी का यू का मतलब अल्टीमेट, पी का मतलब पीरियड, इसको हम लोग लिखेंगे 2π/ ओमेगा CO। ओमेगा CO सारे लोग बताइएगा क्या है, व्हाट इज द ओमेगा CO, ओमेगा CO क्या है, कैन यू प्लीज टेल मी फास्ट, सर लोग बताएंगे क्या थोड़ा फास्ट, व्हाट इज द ओमेगा CO। हाँ ये आवाज किसका, ये एक्चुअली क्या है कि ये इन्वर्टर रखा हुआ है और लाइट गई है चली, ठीक है, लाइट गई है चली और इन्वर्टर चल रहा है तो वो फ्लैक्चुएट कर रहा है कि सिग्नल दे रहा है कि लाइट नहीं है, ठीक है, इस वजह से, अब वो लाइट आएगी तभी बंद होगा, ठीक है। तो हिंट दे रहा है लाइट नहीं है, ये क्या है, क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ये कैसे कैलकुलेट करते थे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेशन ऑफ द ओमेगा CO, ये फाइ इक्वल टू माइनस का 180 डाल देंगे डिग्री, फाइ इक्वल टू माइनस 180 डाल देंगे, वहां से जो ओमेगा निकल के आएगा दैट ओमेगा इज कॉल्ड क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, दैट ओमेगा इज कॉल्ड क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी,
तभी सॉन्ग नहीं, नहीं नहीं भैया, रोज रोज गणेश जी का सॉन्ग नहीं सुनाई देगा, ठीक है, रोज रोज इतना किसके पास टाइम है रोज गणेश जी का सॉन्ग करवाएं, ठीक है, इतना नहीं कोई करवाएगा, ठीक है, बंद है, कल कार्यक्रम था, कल कार्यक्रम खत्म हो गया। चलो, इतने पहले पार्ट सारे लोग लिखो, ये सारी स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए, छे ये जो जिगलर निकोलस ट्यूनिंग मेथड है ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे बेस्ड है। दूसरी बात, इसको हम लोग ऑनलाइन ट्यूनिंग मेथड भी बोलते हैं, कभी आप बार्क वगैरह देने गए तो वहां से हो सकता है इस तरीके से कोई बात कर ले कि ऑनलाइन ट्यूनिंग मेथड किसको बोलते हैं, जो अपना कौन क्यों है वो क्या नाम, जो जिगलर निकोलस है वो अपना ऑनलाइन मेथड होता है, क्यों ऑनलाइन होता है वो मैंने बता दिया, क्योंकि रनिंग प्रोसेस में भी इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इस वजह से इसको ऑनलाइन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज, ये प्रोसीजर क्या है, स्टेप वन क्या है, सिस्टम को स्टेडी स्टेट पे आते हैं, स्टेप टू क्या है, पी कंट्रोलर यूज करते हैं, फिर हम लोग अल्टीमेट गेन एंड अल्टीमेट पीरियड कैलकुलेट करते हैं। अल्टीमेट गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका ये कॉन्सेप्ट रहा, अल्टीमेट पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका ये कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपने कैलकुलेट कर ली, फिर आप लोग अल्टीमेट ट्यून करोगे, आप ट्यून करोगे उसकी हेल्प से, इतना आपने डन कर लिया, इतना सारे लोगों ने लिख लिया प्रॉपर तरीके से। सर उसको बता दीजिए, हाँ हाँ उसको बता देंगे, ठीक है, यस सर, लोग पहले एक काम करेंगे, इतना डन है, इतना आप लोगों ने लिख लिया ए टू जेड, इसमें 6 पॉइंट थे, 6 पॉइंट कवर क्लियर हुए सारे लोगों को, एक बार बताएंगे, इसमें जो 6 पॉइंट थे सारे लोगों को क्लियर है, और ट्यूनिंग ऑनलाइन क्यों बोलते हैं, पी कंट्रोलर यूज करेंगे, अल्टीमेट गेन क्या है, अल्टीमेट पीरियड क्या है, अल्टीमेट गेन का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अल्टीमेट पीरियड का कॉन्सेप्ट बता दिया है, सारे लोगों को इतनी बात आ गई समझ में। अब मैं आगे बढ़ूँ तो मैं बोलूँगा कि इसको हम लोग, अब हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, आपने PU कैलकुलेट कर लिया और KU कैलकुलेट कर लिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, PU कैलकुलेट कर लिया और KU कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, आपके पास KU आ गया और आपके पास PU आ गया, PU क्या है, अल्टीमेट पीरियड 2π/ω CU, KU क्या है, अल्टीमेट गेन इक्वल टू 1/AR, ठीक है, एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा CU, आपने ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। अब बोलेगा इसके ने कुछ चीजें रिकमेंड की हैं, जिगलर निकोलस रिकमेंडेड, इसने आपकी कुछ सेटिंग्स क्या की हैं, रिकमेंड की हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से सारे लोग लिख लेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से सारे लोग यहां पे लिख लेंगे, और वो टेबल आपको याद कर लेनी है, तो टेबल बनाएंगे यहां पे, ये जो टेबल इन्होंने रिकमेंड की है ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी, ये मेरी टेबल नहीं है, इन्होंने रिकमेंड की है वो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ठीक है, पहले बात तो ये क्लियर हो जाए। तो इन्होंने बोला पी कंट्रोलर के लिए, पी आई कंट्रोलर के लिए और पी आई डी कंट्रोलर के लिए, पी आई डी कंट्रोलर के लिए, ठीक है, इन्होंने बोला कि मेरा जो केसी होगा, जो मेरा केसी होगा कुछ इस तरीके से वैरी करेगा, टाऊ आई होगा वो इस तरीके से वैरी करेगा और टाऊ डी होगा वो इस तरीके से वैरी करेगा, बिल्कुल टेबल लिख लेना और याद भी करनी पड़ेगी एट द लास्ट। पी आई डी के लिए मैं पहले लिखूं, पी के लिए, पी आई डी के लिए मैं लिखूंगा तो कितना आएगा, वन, आपने के यू कैलकुलेट कर लिया तो आएगा 1.KU/1.7, KU/1.7 ये आ जाएगा आपका, PU/2 और ये आ जाएगा PU/8, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है, जब भी tau d कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, PID कंट्रोलर के लिए, तो PU/8 आ जाएगा सिंपल, ठीक है, एक बार गेट में ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, tau i कैलकुलेट करेंगे तो PU आप निकाल चुके होंगे ऊपर से, उसके divided by 2 कर देंगे आपका tau i आ जाएगा, केसी निकालने के लिए क्या कर देंगे, PID कंट्रोलर के लिए KU/1.7, ठीक है। अब यहां पे जो PI के लिए मैं बात करूंगा ये आ जाएगा KU/2.2 और tau i के लिए मैं बात करूंगा PU/1.2, ठीक है। अच्छा, ये जो आ जाएगा अगेन KU/2, ठीक है, और इसने ये डिफाइन नहीं किए हैं, ये वैल्यू इसने डिफाइन ही नहीं किए हैं, इतनी इसने अपनी टेबल दी है, किसने रिकमेंड की है, जिगलर और निकोलस, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, एक जिगलर थे और एक निकोलस थे, ठीक है, इनके ये दोनों के आपके सफिक्स के नेम है, और भी इनके आगे नेम था वो मैं बात नहीं करूंगा। तो पी कंट्रोलर के लिए जब भी केसी निकालना होगा तो KU/2 करेंगे, पीआई कंट्रोलर के लिए जब भी केसी निकालना होगा KU/2.2 करेंगे, पीआईडी के लिए KU/1.7 करेंगे। ये मेरी टेबल नहीं है, ये टेबल इन लोगों ने सजेस्ट की है, इन्होंने बोला कि हम ये तीन पैरामीटर्स जो है ना ट्यून करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, ठीक है, इस टेबल से इन्होंने ये चीज भैया बताई है, इनके अकॉर्डिंग है ये टेबल, ठीक है, ये जो है ना ये तीन पैरामीटर इन लोगों ने इस तरीके से ट्यून किए हैं, इस तरीके से ट्यून किए हैं अलग अलग कंट्रोलर के लिए, ठीक है, केसी टाउ आई टाउ डी प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे, लिखने के बाद इसको याद भी करना पड़ेगा।
यस, PYQ PDF पे काम चल रहा है, मिल जाएगा आपको कुछ दिन में। हाउ टू रिमेंबर दिस, इसको याद करना पड़ेगा। अब मैंने कैसे याद कर रखा था मैं आपको बताऊं, देखो मैंने कैसे याद कर रखा था, मैंने सबसे पहले PID का, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो PID का है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। PID का क्वेश्चन गेट में आता है। अब इसको रिमेंबर कैसे करेंगे, देखो जो PID है ना उसका KC सबसे ज़्यादा होता है, इतना हमको पता होता है। तो देखो KC सबसे ज़्यादा होगा PID का, आप लोग देख भी पा रहे होंगे, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1.7 है, यहाँ पे 2 डिवाइड है, यहाँ पे 2.2 डिवाइड है। इसका मतलब जो KC होगा वो सबसे ज़्यादा PID का रहता है। अब हमको तीन वैल्यू याद रखनी होती है, एक आएगा पिक्चर में 1.7, 2.22, ये तीन आपको नंबर याद रखने होते हैं, 1.7, 2.2, 1.7, 2.2, ये फर्स्ट आपके कॉलम में आएंगे। ये आपको, ये तीन नंबर आपको कैसे ना कैसे करके माइंड में रखना है। अब सबसे ज्यादा PID का होगा, फिर P का होगा, फिर PI का होगा। तो ऑर्डर याद रखना, जो KC का जो ऑर्डर होगा इस तरीके से याद रख सकते हो, जो ऑर्डर होगा वो कैसा होता है, सबसे ज्यादा PID का होगा, फिर आपका P का होगा, फिर PI का होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा PID का सबसे ज्यादा, फिर P का, फिर इसका, तीन आपको नंबर लेकिन माइंड में याद रखने पड़ेंगे। 1.7, 2.22, ये आप लोग दो तीन बार करेंगे ना आपको नंबर याद हो जाते हैं, मुझे याद हो गए थे। ठीक है, आप लोगों को तीन से चार बार टेबल बनाएंगे ना नंबर याद हो जाते हैं। अब आ जाओ इसकी बात, tau i tau d की, तो मतलब इधर साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब दो नंबर 2 और 8, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सब कुछ तो याद ही करवा दे रहे हो, लेकिन भैया ये आपको नंबर याद हो जाते हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये नंबर डिजिट माइंड में याद हो जाते हैं। एक बार 2 आता है, कहीं 8 आता है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। ठीक है, अब आप ये मत बोलना कि सर सब तो याद ही आप करवा दे रहे हो, इससे अच्छा मैं टेबल ही नहीं याद कर लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ नंबर बोल रहा हूं, आपको और कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ ये जो नंबर है ना ये याद करनी है बस। एक कहीं पे 2 आ रहा होगा, कहीं पे 8 आ रहा होगा, कहीं पे 1.7 आ रहा होगा, हमें नहीं पता कहां पे आ रहा है। हम वो ऑर्डर आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, ऑर्डर कैसे रखना है। यस, वही चीज मैं बता रहा हूं ना रंजन, ये तो मैं बता रहा हूं, ट्रिक कुछ नहीं है इसमें, ट्रिक कुछ नहीं है, लेकिन आपको जस्ट नंबर याद रखने हैं, ट्रिक कुछ नहीं है। मैं बोल तो रहा हूं ना, मैं तो ये बात पहले ही बोल दिया हूं कि ट्रिक नहीं है, आपको नंबर याद रखने पड़ेंगे, ये आपको नंबर याद रखने पड़ेंगे, सिर्फ नंबर याद रखो बस। हाँ, एक चीज ये समझ सकते हो, इसको ट्रिक आप बोल सकते हो कि PID का सबसे ज्यादा होगा, फिर P का, फिर PI का। अल्टीमेट गेन और गेन मार्जिन सेम फार्मूला, डिफरेंट सेम फार्मूला है, मैं बोला ना सेम फार्मूला है। अब अपनी बात क्या आती है, मोटी मोटी जो बात कोई करेगा तो आपसे कैसे बात करेगा। देखो कि भैया आप सिंपल PI के लिए हमको KC की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आप KU डिवाइडेड बाई 2.2 कर देंगे, ये आपकी KC की वैल्यू हो जाएगी PI कंट्रोलर के लिए। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत ही आ जाएगा समझ में। यस, आप बार बार करेंगे ना इनको ये याद हो जाती है टेबल, मैं बता रहा हूं ना, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है यार, इतना नहीं याद कर पाओगे क्या। अब ये क्या करोगे, मेरी तो सेटिंग है नहीं, जिगला निकोलस काम करके गए, उनकी आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी। पूरी IPC में सिर्फ इतना वाला पार्ट याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये टेबल है, इसके हिसाब से नहीं चलोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा होता है अकॉर्डिंग टू जिगलर निकोलस, तो जिगलर निकोलस के अकॉर्डिंग भैया यही बात है। ठीक है, सारे लोग रेडी हैं, क्वेश्चन दिया जाए, देखो अभी एकदम से मस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया जाए, सारे लोग रेडी हैं, क्वेश्चन की बात की जाए क्या, एवरीवन आर रेडी फॉर क्वेश्चन। यस, नंबर याद रखोगे बात बन जाएगी। डटे हैं 100%, अरे वाह, सारे लोग रेडी हैं, क्वेश्चन दिया जाए। यस, टेबल का नशा करना पड़ेगा, रेडी है सारे लोग, क्वेश्चन दिया जाए। चलो, इसको आप लोगों ने ओप्सो आप लोगों ने अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिख लिया होगा, इसको आपने प्रॉपर तरीके से टेबल बना ली होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। ठीक है, PID का तो याद रख ही सकते हो यार, 1.72 इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, 729। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। चलो, यहां से जस्ट मैं बात करूंगा क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2005 में IIT मुंबई ने ये क्वेश्चन पूछा है गुरु। देखो, और सारे लोग, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, आते खान लाइक कर दिया करो। ठीक है, ये चीज, यू आर मेच्योर। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, दे कैन लाइक द सेशन। ठीक है, अराउंड 50 स्टूडेंट देख रहे हैं और लाइक है 40। चलो, इसको क्वेश्चन को करो सारे लोग। सर माई क्वेश्चन, अभी का क्या क्वेश्चन है, अभी आपका क्या क्वेश्चन है, मैं अभी देख ले रहा हूं।
अभी आपका ऊपर मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। सुपर्ब सुपर्ब, जरा ट्राई करेंगे सारे लोग, बेहतरीन तरीके से ट्राई करेंगे। इस टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन में सीधे सीधे बोलता है, आपकी मजबूरी है, क्या करोगे। देखो क्वेश्चन में देखो कहीं लिखा होगा जिगलर निकोलस, ये देखो लिखा है ना, तो आप क्या करोगे, इनकी बात नहीं मानोगे, आप अपना दिमाग लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बात इनकी माननी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा HURL का एग्जाम हो गया है क्या, ओ ग्रेट, कैसा गया, चलो ट्राई करो सारे लोग, ट्राई करो। देखो क्या बोला है कि PID के लिए, मैंने बोला ना कि PID इज मोर इंपॉर्टेंट। PID के लिए किसकी वैल्यू पूछी है, KC टाउ आई टाउ डी की। तो PID के लिए भाई साहब, PID के लिए मैं लिखूं KC टाउ आई टाउ डी। मैं PID के लिए तो लिख ही सकता हूं KU डिवाइडेड बाई 2 1.7, ये PU डिवाइडेड बाई 2 और PU डिवाइडेड बाई भैया 8, ठीक है। अल्टीमेट गेन पता है क्या आपको, यस। तो KC की वैल्यू कितनी आ जाएगी PID कंट्रोलर के लिए, बहुत ध्यान से देखना, KC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KC की वैल्यू आ जाएगी KU डिवाइडेड बाई 1.7 इज इक्वल टू KU कहां पे है, KU गिवन है क्या क्वेश्चन में, देखो कहीं, यस KU 2 गिवन है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1.7 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.2, ये 1.2 आ जाएगा। टाउ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो टाउ आई की वैल्यू कितनी है, PU डिवाइडेड बाई टू। PU की वैल्यू गुरु कितनी है, देखो कहीं है क्या PU, PU 3 है, मिनट 3 मिनट, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 1.5, ठीक है। और बचा क्या लास्ट, टाउडी, टाउडी का मतलब PU डिवाइडेड बाई 8, तो आ जाएगा टाउडी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, PU डिवाइडेड बाई 8। तो PU की वैल्यू कितनी है गुरु, 3 डिवाइडेड बाई 8, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.38। तो इस बेसिस पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट, ठीक है। अभी बता रहे हैं डी पार्ट, ठीक है। अब आप लोगों को वो टेबल नहीं याद होगी तो फिर नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन। अब आप ये सोचो कि गेट में सर टेबल दी जाएगी क्या, भैया टेबल दे दी जाएगी तो फिर क्या मतलब बचेगा क्वेश्चन का, ठीक है। हालांकि इनकेस बिल्कुल हलवा बना देंगे टेबल दे देंगे, तो अब गेट का तो पता नहीं है, हो सकता है टेबल दे दें आपको, ठीक है, हो सकता है ना दे दें टेबल, लेकिन करंट ईयर में तो सब कुछ देने लगे हैं, ये पहले 2005 की बात थी तो मुंबई था, डटा हुआ था मैदान में, तो इसने कुछ नहीं दिया, लेकिन अब करंट ईयर में थोड़ा आसान काम कर दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको दे दे रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि टेबल, यस टेबल से डायरेक्ट मार्क्स हैं सीधे सीधे। तो टेबल आप लोग ये उम्मीद मत रखना कि IIT मेरे को टेबल देगा, आप याद करके जाना, टेबल दे दे तो अच्छी बात है, टेबल दे देगा तो आपसे फिर ये KU और PU कैलकुलेट करवाने के लिए बोलेगा, कुछ तो करके आओगे, तो आपसे यहाँ पे KU और PU सीधा सीधा गिवन था, हो सकता है वो आपसे फिर ये कैलकुलेट करवा लें, इनकेस ये दे दें, तो उन्होंने इनकेस टेबल दे दी तो फिर KU और PU कैलकुलेट करवा के देंगे आपको, बोलेंगे कि कैलकुलेट करो तब फिर ये टेबल रखो। तो आप लोग भरोसा मत करना कि टेबल दी जाए, लेकिन इस टेबल को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग याद कर लेना, इस टेबल को आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, ट्यून कर रहा है, KC को ट्यून किया इसने, टाउ आई को ट्यून किया और टाउडी को। अब जो ये वैल्यूज हैं, जो ये वैल्यूज हैं KC टाउ आई टाउ डी, अब इस पे ये सिस्टम क्या करेगा, अपना ऑपरेट करेगा, अब इस पे ये सिस्टम ऑपरेट करेगा। गेट में रेंज दी जाएगी क्या। ऋतिक, हाँ दिखता नहीं है ऋतिक, लग रहा है प्लस पे आ गया है, ठीक है। ऋतिक पहले बोलता था सर रेंज दी जाएगी क्या गेट में। अगर टेबल तो 1 मार्क का होगा सर, ठीक है, चलो इतनी बात सारे लोगों को आ गई होगी समझ में। थोड़ा अपन का सेशन थोड़ा फास्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट बचे हुए हैं, बातें बहुत करनी है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और पूछा गया 2017 में, जरा इसको करो, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बजे से एक और सेशन है आपका। यहाँ पे देखो लिंक पिन करवा रखा है, 2 बजे से अभी आपका सेशन है, सारे लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। चलो गेट की प्रॉब्लम ये अगेन है, ये 2017 में पूछी है क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम आपकी पूछी गई ये 2017 में, चलो इसकी बात करेंगे। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज द गिवन द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर गेन KC
इज दिस वन, ठीक है, बेस्ड ऑन द बोडे क्राइटेरिया फॉर द क्लोज लूप स्टेबिलिटी, ओके, द अल्टीमेट गेन, अल्टीमेट गेन कैसे निकालते हैं, अल्टीमेट गेन कैसे निकालते हैं, देखो अल्टीमेट गेन, तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड आपको रेशियो चाहिए, एम्पलीट्यूड रेशियो सारे लोग निकाल लेंगे, इसका एम्पलीट्यूड रेशियो निकाल लेंगे सारे लोग, बताओ इसका एम्पलीट्यूड रेशियो कितना आ जाएगा, के सी अपॉन ओमेगा, एवरी वन आर ओके विद दिस और नॉट, ये जो ट्रांसफर फंक्शन गिविन है इसका आप एम्पलीट्यूड रेशियो ये निकाल पा रहे हो कि नहीं, पहले तो ये बता दो, पहले तो ये बता दो, इतना आप एम्पलीट्यूड रेशियो निकाल पा रहे हैं क्या, एवरी वन आर ओके विद दिस, क्योंकि e टू पावर माइनस का 2s उसका एम्पलीट्यूड रेशियो क्या होता है 1, kc का kc ही होगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा रखा है, राइट, फाइन, वेरी गुड मोहित, सुपर्ब। अब यहां से जस्ट मैं बात करूंगा, यहां से बात करूंगा ओमेगा, ओमेगा कहां से निकालेंगे, ये अपन को कहां पे चाहिए था, ar ओमेगा इक्वल टू ओमेगा co, तो ओमेगा co निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फाई निकालेंगे, तो फाई इक्वल टू कितना लिखेंगे, माइनस का 180, ठीक है, और केसी का फाई क्या होता है, जीरो, केसी का फाई क्या होगा, जीरो, केसी का जो फाई होगा वो आपका जीरो होगा, जो केसी होगा उसका फाई आपका जीरो होगा, ई की पावर माइनस का टू, तो माइनस का टू इंटू ओमेगा इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, इसको मल्टीप्लाई करना मत भूलना, और एस का कितना होगा, माइनस का 90, ठीक है, वन अपॉन एस का क्या होगा, माइनस का 90, यहां से ओमेगा सारे लोग निकाल लेंगे कितना आ रहा है, माइनस 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 कैंसिल आउट, ये 90 बचेगा, 90 इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, ये आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा पाई बाई 4, तो यहां से ओमेगा आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है, ओमेगा आ जाएगा आपका पाई बाई 4, ठीक है, और अल्टीमेट गेन होता क्या है, वन अपॉन ए आर एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी ओ, और के सी है ना उसको वन कर देना है, यहां पे जो केसी होता है मैंने बताया था अभी थोड़ी देर, इसको वन कर देना है, तो केसी इक्वल टू वन कर दोगे तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे 4 वाई पाई आ जाएगा, वन अपॉन ए आर, अच्छा वन अपॉन ए आर मतलब ओमेगा, तो इसका मतलब ओमेगा, ये क्या बचेगा, ओमेगा, ओमेगा का मतलब पाई बाई 4, पाई बाई 4 की जो वैल्यू आएगी वही तो आंसर आ रहा होगा, देखो जो आपका पाई बाई 4 आ रहा होगा वही तो आंसर आ रहा होगा, तो के यू मैं लिखना चाहूंगा वन अपॉन ए आर, तो वन अपॉन ए आर क्या हो जाएगा, वन बाई ये आ जाएगा के सी बाई ओमेगा, ठीक है, और के सी इक्वल टू वन लेना है ना, ये अल्टीमेट गेन का मतलब क्या है, आप एक ही गेन निकालेंगे तो दूसरे गेन को क्या कर देना है, वन कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो वन ये ओमेगा बचेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या है पाई बाई 4, और पाई बाई 4 को सॉल्व करेंगे तो कितनी आ रही है वैल्यू, 0.78, 0.78, 0.78, यस, बिकॉज ऑफ यू आर कैलकुलेटिंग द वन गेन, जब आप एक गेन कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे को आप निग्लेक्ट कर दो या तो उसकी वैल्यू वन ले लो, क्योंकि आप ये भी आपका क्या है गेन है, तो दूसरे को आप वन लेंगे, ठीक है, अब इसके दो मेथड है, मैं एक दूसरा मेथड भी आपको बता दूंगा कैलकुलेट करने का, पहले इतना लिख लो, सेकेंड मेथड देख लो, पहले यहां तक सारे लोग पहुंच गए, यहां तक सारे लोग पहुंच गए, इसका दूसरा मेथड भी देख लो, कभी लाइफ में काम आ जाएगा, थोड़ा और आप लोग पेपर वगैरह रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो एक और मेथड आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेगा, पहले इतना पढ़ लिया आप लोगों ने, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया, इतना लिख लिया सारे लोग, अब मैं एक दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, उसको भी याद रखेंगे, उसको भी याद रखने, इतना आप लोगों ने कर लिया होगा, मतलब सारे लोग यहाँ तक तो पहुँच गए होंगे, वेट जल्दी करो पंकज, ठीक है, ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है, फिर दूसरी ट्रेन का वेट करना पड़ेगा, चलो राइट डन, इसको मैं रफ किए दे रहा हूं, इसको मैं रफ किए दे रहा हूं, तो यहां से एक बात ध्यान रखना, चलो एक मैं मेथड आपको बता देता हूं, यहां पे सिखा देता हूं थोड़ा, ठीक है, जब भी आपसे अल्टीमेट गेन पूछे तो बहुत ध्यान से केयर करना, अभी टाइम अपने पास है ना, टाइम अपने पास 15 मिनट का है, जल्दी से करेंगे, ठीक है, चलो जब भी आपसे अल्टीमेट गेन पूछता है, ठीक है, अल्टीमेट गेन, अल्टीमेट गेन, ठीक है, इसके दो मेथड हैं, एक मेथड क्या है, आप लोग अल्टीमेट गेन इक्वल टू वन अपॉन ए आर एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी ओ, ठीक है, यहां पे के सी वैल्यू आ जाए तो उसको वन कर देना है, दूसरा मेथड क्या है के यू निकालने का, दूसरा मेथड क्या है के यू निकालने का, दूसरा मेथड क्या है
के यू निकालने का कि आप एम्पलीट्यूड इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख दो एम्पलीट्यूड रेशियो वन कर दो। दूसरा मेथड क्या है, एम्पलीट्यूड रेशियो वन कर दो, एम्पलीट्यूड रेशियो क्या कर दो वन, एम्पलीट्यूड रेशियो वन कर दो और पुट कर दो के सी इज इक्वल टू के यू, के सी इज इक्वल टू क्या पुट कर दो के यू, एम्पलीट्यूड रेशियो वन कर दो और पुट कर दो के सी इज इक्वल टू के यू। तो यहां से जो के यू निकल के आ जाएगा दैट इज द अल्टीमेट गेन, अल्टीमेट गेन। ठीक है, इनकेस आप ए आर इक्वल टू वन पुट कर देंगे, के सी इक्वल टू के यू पुट करेंगे तो यहां से जो अपना के यू आ जाएगा वो अल्टीमेट गेन आ जाएगा। और दूसरा मैंने ये तरीका आपको बता दिया, ठीक है, ये आप लोग इस वजह से याद रखते हैं क्योंकि आप गेन मार्जिन पहले पढ़ के आए, तो जैसा गेन मार्जिन होता है वैसे अल्टीमेट गेन होता है। कोई आपसे पूछ दे क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस के सी इक्वल टू यहाँ पे वन एज्यूम कर लेता है क्योंकि एक ही गेन निकालोगे। चलो यहां से पुराना वाला क्वेश्चन यहां से कर लो, पुराना वाला क्वेश्चन यहां से कर लेंगे तो एम्पलीट्यूड रेशियो क्या निकल के आया था, के सी अपॉन ओमेगा, के सी अपॉन ओमेगा। अब इसको ए आर इक्वल टू वन कर दो तो क्या आ जाएगा, के सी इक्वल टू ओमेगा, के सी इक्वल टू ओमेगा। अब के सी इक्वल टू क्या रख दो, के यू, तो के यू इक्वल टू देखो ओमेगा आ गया, ओमेगा, और यही आपने लिखा था पाई बाई फोर, देख रहे हो, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, के सी इक्वल टू क्या कर देना है, के यू कर देना है और ए आर इक्वल टू वन डाल देना है। तो ए आर की वैल्यू क्या आई थी, के सी अपॉन ओमेगा, इसको वन कर दिया क्योंकि ए आर वन, और के सी इक्वल टू पुट कितना करना है, के यू, के सी इक्वल टू कितना पुट करना है, तो के यू, तो के यू इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू पाई बाई फोर। ओके, लाजवाब, मजा आया होगा आपको। ठीक है, ये मेथड नंबर टू और दिस द मेथड नंबर वन। ओके, मस्त तरीके से कॉपी में नोट करो और आगे चल के इसका यूज करना, आज तो काफी मजा आ रहा है। डन। क्लियर, क्लियर हुआ ना एवरीवन? तो ये दोनों मेथड याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन कर लो सारे लोग, जरा एक और क्वेश्चन करो। सर मेरा क्वेश्चन रह गया, आपका क्वेश्चन रह गया भैया, इसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, सबके लिए मेथड सेम है, मेथड आपका सेम है। ठीक है ली, अभी का क्वेश्चन रह गया भैया, कहाँ गया अभी तुम्हारा क्वेश्चन है क्या? अल्टीमेट गेन, गेन मार्जिनल, अरे यार अल्टीमेट गेन, गेन मार्जिन और ओनली गेन। देखो गेन क्या होता है आपका, किसी भी कंट्रोलर का चेंज इन द आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द इनपुट, दिस इज कॉल्ड गेन। मतलब सिस्टम कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, दिस इज द ओनली गेन। ओके, कंट्रोलर का गेन मतलब जितना ज़्यादा गेन होगा सिस्टम उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। अल्टीमेट गेन क्या होता है, मतलब आपका सिस्टम कितना स्टेबल है। अल्टीमेट गेन जितना ज़्यादा होगा सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और सिमिलर गेन मार्जिन का फंडा है, गेन मार्जिन जितना ज़्यादा आपका क्या है, इसका मतलब सिस्टम उतना ही मोर स्टेबल है। ओके, तो गेन मार्जिन और अल्टीमेट गेन का मेन मतलब होता है स्टेबिलिटी से, और जो गेन का सिर्फ मतलब होता है वो सेंसिटिवनेस से होता है। तो इसी वजह से आप लोग ये गेन की वैल्यू क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, ट्यून करते हो। अदरवाइज जितना ज़्यादा गेन हो जाएगा इसका मतलब सेंसिटिव सिस्टम उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, तब उतना ज़्यादा सिस्टम सेंसिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग क्या कर रहे हो, ट्यून कर रहे हो। ट्यून क्यों कर रहे हो, टू ऑप्टिमाइज द सिस्टम, इसी वजह से तो ट्यून कर रहे हो। पढ़ क्यों रहे हो ये सारी ट्यूनिंग, ये सारा कुछ गेनी के ऊपर काम कर रहे हो। राइट, चलो एक और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी कर लो, एक और क्वेश्चन बचा है उसको भी कर लो। ये क्वेश्चन और पूछा गया है 2013 में। आई लव सेकंड मेथड ओनली सर, ओ ग्रेट, सेकंड मेथड वो आलू है, ऐसे ही करके चुईमी टाइप का है। चलो आपको मैं बताते रहा हूं, जितने भी मेथड आप लोग बोलोगे ना उतने मेथड मैं दे दूंगा आपको, डोंट वरी, बस खुश रहो और हैप्पी रहो, इंजॉय करते रहो चीजों। जरा इसको करेंगे सारे लोग, इसको करेंगे जरा, ये 2013 में पूछा गया है, इतने क्वेश्चन आए हैं सारे मैंने एक शॉट में आपको करवा दिए हैं। आपके पास टाइम सिर्फ 10 मिनट का है, टाइम सिर्फ गुरु 10 मिनट का है आपके पास, जल्दी करेंगे। लेकिन दिख रहा है ना सारे लोगों को, दिख रहा है? चलो तो जस्ट मैं यहां से बात करूं, देखो 10 मिनट का टाइम है और 10 मिनट में आपको बना के आगे बढ़ना है। चलो ट्राई कर लो आप अपने बियाप पे, अपने बियाप पे सारे लोग ट्राई कर लो, फिर हम लोग आगे बात करें। देखना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है, आपके पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, राइट। अब पूछा है जिगलर निकोलस सेटिंग, अल्टीमेट पीरियड, अल्टीमेट पीरियड का मतलब पी यू इक्वल टू क्या होता था सारे लोग जरा बता दो, 2 पाई वाई ओमेगा सी यू,
दिस द अल्टीमेट पीरियड एंड अल्टीमेट गेम, आपसे के यू पूछा है, ये दो दो चीजें पूछी हैं जिगलर निकोलस के अकॉर्डिंग। चलो 2 बजे भैया आपका ऐप पर न्यूमेरिकल सेशन है लाप्लास का 2 बजे, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिंक पिन करवा रखा है, अभिनव लिंक को मैंने यहाँ पे पिन करवा रखा है। और जो लोग देखो जिन लोगों को अपडेट नहीं मिल रही है, इसका मतलब आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए। आप मनीष सर केमिकल इंजीनियरिंग करके सर्च कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप है अपना ऑफिशियल, उस पर आप ऐड हो जाओ। कोई भी मेरी क्लास होती है उस पर लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। हर क्लास का अपडेट वहाँ पर रहता है, तो मनीष सर केमिकल इंजीनियरिंग करके टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, या आप अपने दोस्तों से मांग लेना। चलो इसको ट्राई करो जरा। अल्टीमेट पीरियड 2π/ωCO, तो सबसे पहले ओमेगा सीओ की कहानी खत्म करते हैं। सबसे पहले ओमेगा सीओ की कहानी खत्म करें, इसका मतलब सेकंड वाले पार्ट की पहले कहानी खत्म करो। तो ओमेगा सीओ कैसे आएगा, इसका फाई लिख लो, इसका फाई लिख लो। तो फाई कैसे लिखेंगे, फाई इक्वल टू माइनस का 180 डाल दो, तो ओमेगा आप जो निकलेगा वो ओमेगा सीओ, फाइव का क्या हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा 4 times tan inverse माइनस का टाउ ओमेगा। एवरीवन आर हैप्पी विद दिस। चलो भाई साहब ये कितना बचा 45, और टेन 45 की वैल्यू 1, ओमेगा इक्वल टू 1/2, तो ओमेगा इक्वल टू आ रहा होगा 0.5। पहले ये बताओ सी पार्ट, बी वाला आपने हैंडल कर लिया एक लाइन में, आपने बी वाला पार्ट एक लाइन में हैंडल कर लिया, बस ये 2 नंबर का अलग था। ये पूरा क्वेश्चन 4 नंबर का है, ये 2 नंबर आपको मिले, ठीक है। 2 नंबर यहां पे बात करो, जल्ला PU की बात कर लो, 2π/ωCO, तो 2π/0.5 × 10, 4π आ जाएगा, 4π ठीक है, कितना आ जाएगा 4π, तो 4π गुरु क्या है अल्टीमेट पीरियड, यस अल्टीमेट पीरियड 4π, तो 4π इसका मतलब बी या सही होगा या सी सही होगा। अल्टीमेट पीरियड भी निकालना पड़ेगा क्योंकि दो जगह 4π है ना, तो अल्टीमेट पीरियड भी निकाल लो, तो अल्टीमेट इसका पीरियड भी निकाल लो कहीं पे, इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड रेशियो भी निकालना पड़ेगा। अब इसका मतलब या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा, वेरी गुड वेरी गुड, या तो बी सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक है। तो यहां पे कर देंगे AR, इसका निकाल लो एम्पलीट्यूड रेशियो कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड रेशियो कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ जाएगा टाउ स्क्वायर, मतलब 4ω² + 1² इतना ही तो आ जाएगा, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 4ω² + 1² आ जाएगा, ये एम्पलीट्यूड रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड रेशियो आ गया, इसका रिवर्स कर दो, इसका जस्ट क्या कर दो रिवर्स कर दो, ओमेगा इतना डाल दो, तो के यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, के यू कितना आ जाएगा 1/AR होता है, 1/AR एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सीओ, ठीक है, एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सीओ। अब जगह कहाँ है, यहाँ पे देखो तो 1/AR इसका मतलब इसका उल्टा कर दो, तो 4ω² + 1² / 5, दिस इज द अल्टीमेट गेन, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, दिस वन 0.5, तो 4 × 0.25 + 1² / 5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आई थिंक कितना आ रहा है जरा बताओ, 0.8 आ रहा है क्या, 0.8 आ रहा होगा, 0.8 बी पार्ट इज द राइट आंसर। सारे लोगों से बात बनी क्या, एक बार जरा बता देंगे। देखो मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया क्योंकि टाइम की कमी है, एक एक स्टेप नहीं कर पाई लेकिन बात पूरी कर ली है मैंने, ठीक है। थोड़ा केयर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत करेंगे, सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। लेक्चर में कंटिन्यू रहेंगे, ये इनको मैंने बहुत ढंग से बातें की हैं, ठीक है। तो सारे लोग लेक्चर में थोड़ा कंटिन्यू रहोगे तो चीजें बहुत तेज करना सीख जाओगे, अदरवाइज कुछ लोग पहले आएंगे तो फिर एक एक स्टेप करनी पड़ती है, ठीक है। तो कंटिन्यू रहेंगे ना तो आप लोग तेजी से मूव कर पाएंगे, तो क्योंकि थोड़ा घर पर भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है। होप्स कि सारे लोग कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस वजह से आपका एक मेथड आज मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिगलर निकोलस ट्यूनिंग मेथड, जो कि गेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट मेथड बहुत ज्यादा पूछा जाता है गेट में यही पूछा जाता है आपका। अभी देखो 2017 मतलब लेटेस्ट मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है, 2013 लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, 2010 के बाद के सब तो लेटेस्ट ही हुए ना, ठीक है। 2017 में भी 2 नंबर का, 2013 में तो 4 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया, 2 नंबर का,
ठीक है, 2000 अभी आपने किया था, 5 में भी पूछा गया। तो ये था जिग्लर निकोलस, आज मैंने खत्म किया। कल मैं बात करूंगा कौन एन क्यून की, और तीसरी बात करूंगा मैं टाइम इंटीग्रल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, 2015 में क्वेश्चन वहां से पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना सेशन आज का एंड हुआ। होप्स आप लोगों ने एंजॉय किया हो, किया होगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपने एंजॉय किया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोगों से। ठीक है, तो और एक बार प्रैक्टिस कर लेना जाके, सारे लोग एक बार और करेंगे तो दमदार हो जाएंगे। चलो इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा, देखो एक और मैं बता दूं, आज अपना कंट्रोलर ट्यूनिंग वन पार्ट खत्म हुआ, कल और चलेगा अभी ये, अभी कंट्रोलर ट्यूनिंग कल और चलेगा, कल आपका ये खत्म कर देंगे। ठीक है, परसों आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर होगा और 18 को होगा आपका कैस्केडिंग। ठीक है, 3 सेशन और बचे हुए हैं आईपीसी के। ठीक है, बिल्कुल आपके गंगा के किनारे आ गई ये बात, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, कल से आपका स्टार्ट होगा डिस्टिलेशन। जो भी अपने प्लस के स्टूडेंट हैं गुरु, जो भी अपने प्लस के स्टूडेंट हैं, वो लोग मूव कर सकते हैं हमारे साथ डिस्टिलेशन के साथ, तगड़े तरीके से। हाँ, सब मैंने करवा दिए हैं योगेश, अभी तक जितने आए थे वो मैंने एक शॉट में करवा दिए आपको। बस अब हैप्पी रहो, बस इनकी प्रैक्टिस करो और टेस्ट वगैरह दो, फिर हमारे हवाले आईपीसी साथी हो। यस, ठीक है, इतने 3 सेशन और बचे हुए हैं, ये 3 सेशन और एंजॉय कर लो, क्योंकि यार ए टू जेड बात खत्म ही कर दें, इतनी की है आपका। ये कौन सा 46th लेक्चर था आज, ठीक है, 46, 7, 8, 9, 50 लेक्चर में करूंगा, एक और लूंगा तो फिर, ठीक है, 46, 47, 48, 49, 49 पे बात नहीं खत्म करूंगा, एक और लूंगा, 50 लेक्चर लूंगा। ठीक है, और मैंने मास ट्रांसफर के 56 लेक्चर लिए थे, और ऐप पे भी कुछ 3 चैप्टर लिए थे, तो वो अराउंड 70 लेक्चर के थे। ठीक है, 70 लेक्चर के अराउंड आपका मास ट्रांसफर हुआ था, और ये 50 लेक्चर में मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, और इतना डिटेल में बताया ना एक एक चीज, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस मैंने 9 पार्ट करवाए हैं, एक एक चीज, कैसे एम्पलीट्यूड रेशियो निकलता है, कैसे फाई निकलता है, अलग अलग सेशन ले रखे हैं, ठीक है, सारे कंट्रोलर सहित। चलो अब मैं इसकी, इतना डिटेल में आपने पढ़ लिया क्योंकि आईपीसी ज्यादा आता है, इस वजह से मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, आपका मिनिमम 10 से ऊपर ही आएगा ये। चलो इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा, ये भैया करंट में ऑफर चल रहा है, तो जो लोग भी अभी थोड़ा बीच में है, लेना है कि नहीं लेना है, तो एक लंबा शॉट मारो और दिल पे पत्थर रख के खेल जाओ मस्त तरीके से, प्लस लो यार, जिंदगी में अचीवमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, रादर देन ये पैसे आते जाते रहते हैं। ठीक है, मैं मोटी मोटी बात सीधी सीधी करूँ तो, ठीक है, एक बार अचीवमेंट मिल गया ना सब कुछ आ जाएगा, एक महीने की सैलरी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिन लोगों को भी लगता है, सारे लोग मेच्योर हैं, जिन लोगों को भी लगता है देखो अभी ऑफर चल रहा है 17 सितंबर से पहले लेना है तो ले लेना, कोड यूज कर लेना MR100 और हमारे से कॉन्टैक्ट कर लेना, प्रॉपर तरीके से मैं आपको लोगों को एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग दे दूंगा। ठीक है, चलो, एंड दिस द प्राइस हाइक इन्फॉर्मेशन, तो ये प्राइस हाइक होने वाली है, तो इससे आप लोग बच सकते हैं। एंड 6+3 मंथ्स के साथ जो लोग मूव करना चाहते हैं, इस 6+3 महीने के साथ मूव कर लेना। कोड याद करना मत भूलना, कोड क्या है आप लोगों को याद होगा, कोड क्या है सारे लोगों को पता है ना, MR100। ठीक है, कोड याद आप लोग रख सकते हैं, जब भी लेंगे तो 10% का डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा ही, और करंट में जितने भी ऑफर चल रहे होंगे सारे आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे। ठीक है, चलो, दिस द इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू, अभी भैया कल से डिस्टिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से मास ट्रांसफर चल रहा है, कोई भी प्लस का विद्यार्थी हो उससे एक बार पूछ जरूर लेना, गजब का मास ट्रांसफर चल रहा है। ठीक है, 2 घंटे का सेशन, पता नहीं चलता है कब निकल जाता है, राइट। और दिस द फीस स्ट्रक्चर 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ के लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, आप लोग कोड यूज करेंगे MR100, प्रॉपर तरीके से मूव करेंगे। दिस द फॉर आइकोनिक एंड अनअकैडमी, आस्क एनी डाउट, यू कैन आस्क एनी डाउट। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से कितने भी आप डाउट पूछ सकते हैं, एंड लाइव मॉनिटरिंग प्रोडक्ट भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। ये दिस इज द फॉर आइकोनिक स्टूडेंट, इनकेस कोई आइकोनिक का विद्यार्थी है उसके लिए ये बात करेंगे, तो क्योंकि डाउट डिस्कशन आपके सारे एक टू जेड डाउट क्लियर होंगे यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से आपके आपको मॉनिटर किया जाएगा, आपका इनहेंसमेंट किया जाएगा, आपकी हर एक तरीके से प्रॉपर तरीके से मेंटर किया जाएगा, राइट। तो आप लोग कोड यूज कर लेना MR100, दिस इज द फॉर प्लस सब्सक्राइबर, आइकॉनिक के जो सब्सक्राइबर है उनके लिए है ये। ठीक है, चलो इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा, थैंक यू सो मच, अभी 2 बजे से सेशन है, लिंक यहां पे मैंने पिन करवा दिया है, लिंक मैंने यहां पे पिन करवा दिया है, सारे लोग देख लो, 2 बजे से सेशन है, गजब तरीके से हम लोग अभी उसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं लाप्लास के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सारे लोग मिलिएगा, थैंक यू सो मच, होप सो आप लोगों ने आज ट्यूनिंग वाला पार्ट ए पार्ट कंप्लीट किया और एंजॉय किया होगा। कल से हम लोग बात करेंगे यस कौन एंड क्यून की। अब मैं आप लोगों की कमेंट देख लेता हूँ एक मिनट में। सर आई एम अंडरस्टैंडिंग योर लेक्चर ओनली, आई डोंट नो आई एम अंडरस्टैंडिंग सर। ओके 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 ओके, नाउ द प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम भी करा दीजिए, प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंट। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, वो भी मैं कंप्लीट करूँगा। मास ट्रांसफर प्लस आईपीसी की जर्नी लाइफ टाइम याद रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच,
यस 50 लेक्चर आईपीसी, आई थिंक बिकॉज ऑफ द वेदर आईपीसी कंटेन मोर मैथमेटिकल टर्म एंड इकोनॉमिक यू हैव अंडरस्टैंड द वर्ड. ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. चलो थैंक यू सो मच. चलो फिर इंजॉय करिए आप लोग, ठीक है. आईपीसी और मास ट्रांसफर का एक अच्छा खासा कंटेंट मैंने आपको दे दिया है. दोनों बिग सब्जेक्ट हैं केमिकल इंजीनियरिंग के, आप लोग ऑब्सो इसको एंजॉय करेंगे. दोनों बिग सब्जेक्ट हैं, ठीक है. चलो फिर थैंक यू सो मच. अब मैं आपको थोड़ा इसमें नॉलेज दूंगा भयंकर वाली, ठीक है. कैसे डिजाइनिंग करते हैं चीजों की, उस पर कुछ सेशंस आएंगे आपके तगड़े वाले. डिस्टिलेशन कॉलम कैसे डिजाइन करते हैं, प्लेट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है. उसके अंदर अब मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके थोड़ा बात करूंगा आप लोगों के साथ. चलो फिर थैंक यू सो मच. सारे लोग मिलिए 2 बजे, अभी जस्ट 5 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.